वेलकम टू माय चैनल रिट्स कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रवा पोटैटो व्हील्स बनाना बता रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम एक कप सूजी ले रहे हैं। एक कप सूजी में हमने एक कप ही दही मिलाई है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसका स्टफिंग बनाते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डाल देंगे, जीरा, और हमने हरी मिर्च को, हमने 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काटा है, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक प्याज काटा है, वो भी इसमें डाल देंगे, और साथ में हम एक शिमला मिर्च काट के इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमको प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसको प्याज को सॉफ्ट होने तक हमको पकाना है। यहाँ पर हमने 3 आलू लिए हैं, आलू को बॉईल कर लिया है। देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गए हैं हमारे। अब इसमें हम डालेंगे नमक आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हमने जो आलू लिए थे उसको हमने मैश कर लिया है और इसमें वो आलू हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे हम और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला मिक्स हो चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब हमने 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच इनो डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ग्लास लेंगे छोटा वाला और उसके अंदर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आपके पास इससे भी छोटा है तो आप और छोटा लीजिए। अब ये जो हमारा आलू का मसाला भी ठंडा हो चुका है, अब हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाकर और इसको शेप दे देते हैं हम। देखिए आप इस तरह से आलू के मसाले से ऐसे बना लीजिए। ये देखिए हमारे बन चुके हैं। अब हम एक गिलास लेंगे और इसके अंदर हम पहले सूजी का बैटर डालेंगे जो हमने सूजी का बैटर बनाया है। अब इसके अंदर हम आलू का जो हमने मसाले को शेप दिया है वो इसमें हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम पूरा सूजी का बैटर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे। इस तरह से हम सारे ग्लासेस में डाल लेते हैं।
पहले सूजी, फिर आलू, फिर उसके ऊपर से फिर से सूजी डालकर अच्छे से डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, हमने एक स्टीमर लिया है, उसमें हमने पानी डाल के स्टीम करने रख दिया है। आप एक कढ़ाई में भी रख सकते हैं, और इसमें हमने ग्लासेस को रख दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको 10 से 12 मिनट तक होने देंगे। ये देखिए, ये अब हम खोल कर देखते हैं। देखिए हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए निकल चुका है। इस तरह से हम सारे निकाल लेते हैं। ये हमारे सारे निकल चुके हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच तिल, और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई। नमक आधा चम्मच, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो ये सूजी का हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे, और इसके अंदर इसको मसाले को अच्छे से कोट कर लेंगे। इसको एकदम ध्यान से करना है। ये देखिए ये कोट हो चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे। इसको हम उतार लेंगे, और इसको अब हम एक नाइफ की हेल्प से इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से हम काटेंगे। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये हमारे रवा पोटैटो व्हील्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसको खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको इसी तरह नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।